हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम बैक टू आवर ओन यूट्यूब चैनल इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ होंगे और अपने प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपके एग्जामिनेशन में ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। अगर हम अप्रॉक्सीमेटली बात करें तो जनवरी में आपके पास कितने डेज बचे हैं? 13 डेज। और फेब्रवरी में अगर हम माने तो 12 ही डेज आपके पास हैं, क्योंकि 15 से आपके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, राइट? तो जो भी आपका पहला पेपर होगा 15 को, आप उसके लिए 2-3 दिन पहले से पढ़ना शुरू कर देंगे, है ना? तो इन ऑल हम कह सकते हैं कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 25 डेज ही बचे हैं। तो अच्छे से प्रिपरेशन करिए पेपर की। जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है उनको मेरा सजेशन यही है कि जो भी यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज प्रोवाइड कर रही हूँ उसको ज़रूर देखिए और इसके थ्रू पढ़ने की कोशिश करिए। इतना तो मैं कह सकती हूँ कि अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वो इन सीरीज के थ्रू अच्छा स्कोर कर सकता है, अगर वो और अच्छा एफर्ट डाल ले, वरना डेफिनेटली वो पास हो जाएगा। और जो भी स्टूडेंट्स पहले से प्रिपरेशन कर रखे हैं उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा कि वो अपना जो स्कोर है उसको और ज़्यादा अच्छा मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है? तो इससे पहले ऑलरेडी मैं आपको IBO 1, IBO 4 और IBO 6 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ। तो अगर आप में से किसी ने नहीं देखा इन वीडियोस को, उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं आपको आई बटन में भी शेयर कर दूंगी और साथ ही इसकी एक मैं अलग प्लेलिस्ट बना दूंगी ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि मैम ये वीडियो कहाँ है, वो वीडियो कहाँ है, मुझे लिंक भेज दी। तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं सबको सेपरेटली लिंक भेजूँ, ठीक है? तो मैं एक काम ये करूँगी, आपके लिए थोड़ा सा इजी कर दूंगी कि इसकी एक प्लेलिस्ट ही आपको प्रोवाइड कर दूंगी जहाँ पर आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है? तो चलिए बिना किसी देर के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट नोट्स के बारे में। आपको पता ही है पेपर का आपके पैटर्न क्या है। सबसे पहले शॉर्ट नोट्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम डिफरेंसेस और फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस को, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा बेयर बोट चार्टर, और ये पूछा गया है आपका यूनिट नंबर 12 से, डैट इज आपकी ट्रैम चार्टरिंग प्रैक्टिसेस से, ठीक है? अब ये पर्टिकुलर यूनिट आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को ही मिलेगा ही मिलेगा, ठीक? अब चाहे यहाँ से डिफरेंस पूछ ले या फिर शॉर्ट नोट्स में पूछ ले या फिर लॉन्ग में पूछ ले, तो इस यूनिट को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और क्या चीजें पढ़नी है क्या चीजें नहीं पढ़नी है इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है? सारे ही IBO की मैंने दी है, इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी है, चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको देखिएगा। और साथ ही जो भी यहाँ पर आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ दोनों को ही अगर आप कंबाइन करके पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन पोर्ट्स, और ये आपको पूछा गया है यूनिट नंबर 14 से, ठीक है? डैट इज आपकी पोर्ट सिस्टम से, ठीक? नेक्स्ट है हमारा यूएन लीनर कोड, और ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है यूनिट नंबर 16 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा कॉन्फ्रेंस सिस्टम इन लीनियर शिपिंग, और ये आपका आया है यूनिट नंबर 11 से, ठीक है? यूनिट नंबर 11 डैट इज लीनियर फ्रेट प्रैक्टिसेस। अब ये पर्टिकुलर यूनिट भी आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? लीनियर फ्रेट प्रैक्टिसेस और ट्रैम चार्टरिंग प्रैक्टिसेस दोनों ही अपने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा स्टेप्स इन्वॉल्व इन हैंडलिंग एक्सपोर्ट ऑर्डर, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 5 से, डैट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड ऑर्डर हैंडलिंग। और अगर जिन्होंने भी मेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो देखी होगी तो उनको यहाँ से कुछ याद आ गया होगा। मैंने वहां पर भी आपको बताया था कि ये जो टॉपिक है आपका वो IBO 4 में है और आपकी बुक में मेंशन है IBO 5 की कि आपको इस टॉपिक को IBO 4 से पढ़ना है, ठीक है? और एग्जाम में पूछा भी गया है IBO 5 में, ठीक? तो अगर आपने नहीं पढ़ा है इसको तो ये वाला जो टॉपिक है वो आपको IBO 4 में मिल जाएगा। मैंने वहां पर इसको कवर किया है, ठीक है? पूरा एक्सपोर्ट ऑर्डर किस तरीके से होता है, ठीक? तो आप वहां से देख लीजिएगा इसको, ओके? नेक्स्ट है हमारा कमर्शियल क्राइम ब्यूरो, और ये आपका आया है यूनिट नंबर 15 से, ठीक है? यूनिट नंबर 15 दैट इज आपकी मैरिटाइम फ्रॉड्स एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस से, ठीक है?
नेक्स्ट है हमारा बॉन्डेड वेयरहाउसेस, और ये क्वेश्चन आपका आया है यूनिट नंबर 4 से, डेट इज वेयर हाउसिंग से। ठीक, देखिए मैंने आपको हर बार एक चीज बोली है कि आप कोई भी आईबीओ कवर करिए, उसका जो फर्स्ट ब्लॉक है उसको कभी भी स्किप मत करिएगा, उसकी सारी की सारी यूनिट्स को अच्छे से पढ़ के चाहिएगा, है ना। उसकी वजह ये है कि अगर आप पेपर का पैटर्न देखें, जनरली जो देखा है मैंने वो यही है कि आपके फर्स्ट ब्लॉक से ही स्टार्टिंग के क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ब्लॉक को छोड़ना इज नॉट अ गुड डिसीजन, क्योंकि स्टार्टिंग के क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आ रहे होंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप वहां पर कम हो जाएगा, फिर आपको जो चीज आती है वो भी आप प्रॉपरली पेपर में अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लास्ट के ब्लॉक की यूनिट्स को छोड़ दीजिए, ठीक है, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने काफी चीजें अपने चैनल पर ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी हैं जितना मुझसे अभी हो पाया, क्योंकि मेरे भी पेपर्स शेड्यूल्ड अप है तो मैं इतना ज्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन मैंने यही सोचा कि सबसे पहले आपके साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर लें, ताकि जो भी प्रिपेयर अभी तक नहीं कर पाए हैं या फिर समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, उनको थोड़ा सा यहाँ पर हेल्प हो जाए। उम्मीद करती हूँ कि इन सेशन से काफी ज्यादा हेल्प हो रही होगी, और अगर हेल्प हो रही है तो प्लीज सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा वॉर्सो कन्वेंशन, और ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 13 से। ठीक है, यूनिट नंबर 13, दैट इज लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ कैरिज ऑफ गुड्स। ये यूनिट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन पोर्ट्स डेवलपमेंट इन इंडिया, और ये आपका आया है यूनिट नंबर 14 से, डेट इज आपका पोर्ट सिस्टम से। ठीक है, पोर्ट सिस्टम जो आपकी यूनिट है, इससे सेलेक्टिव ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आगे मैंने कवर किया है, आप बस अगर उतना ही पढ़ लेंगे तो ये यूनिट आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ शिप्स इन इंडिया, और ये क्वेश्चन आपका आया है यूनिट नंबर 7 से। ठीक है, यूनिट नंबर 7 आपकी है ओशियन ट्रांसपोर्ट। ठीक, अब इस पर्टिकुलर यूनिट की अगर बात करी जाए तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके रजिस्ट्रेशन ऑफ शिप से पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका कमर्शियल शिपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, और लीनर शिपिंग और ट्राम शिपिंग से। ठीक है, लीनर शिपिंग और ट्राम शिपिंग अपने में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका डिफरेंस भी पूछा जा सकता है या फिर इसको शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल मैरी टाइम ब्यूरो, डेट इज IMB। ठीक, ये आपको पूछा गया है यूनिट नंबर 15 से। ठीक है, यूनिट नंबर 15, डेट इज हमारी मैरी टाइम फ्रॉड्स एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस। ये पर्टिकुलर यूनिट भी आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से देखने को जरूर मिलेगा। हो सकता है ऐसे ही पूछ ले कि इंटरनेशनल मैरिटाइम ब्यूरो क्या होता है, या फिर किस तरीके के फ्रॉड्स होते हैं और किस तरीके से ओवरकम किया जाए, क्या प्रिकॉशंस लिए जाए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेन वॉयज चार्टर पार्टी क्लॉज। अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 12 से। ठीक है, डेट इज ट्राम चार्टरिंग प्रैक्टिसेस, और अभी मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन में बताया कि यूनिट 12 आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा ट्रेंड्स इन ग्रोथ ऑफ सी बॉन्ड ट्रेड, और ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है यूनिट नंबर 9 से। ठीक है, यूनिट नंबर 9 आपकी है वर्ल्ड सी बॉन्ड ट्रेड एंड वर्ल्ड शिपिंग। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और ये क्वेश्चन आया है हमारा यूनिट नंबर 14 से। यूनिट नंबर 14 है आपकी पोर्ट सिस्टम, और लास्ट क्वेश्चन है इसमें सेलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल, ये क्वेश्चन आपका आया है यूनिट नंबर 5 से, डेट इज आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड ऑर्डर हैंडलिंग से। ठीक, अब नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और बात कर लेते हैं डिफरेंसेस की। तो सबसे पहला डिफरेंस है हमारा रजिस्ट्रेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ शिप्स के बीच में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा पूछा गया है यूनिट नंबर 7 से, डेट इज आपकी ओशियन ट्रांसपोर्ट से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा परपेक्चुअल एंड पीरियोडिकल रिव्यू सिस्टम यूज फॉर रिप्लेनिशमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज, और ये क्वेश्चन हमारा आया है यूनिट नंबर 5 से, दैट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड ऑर्डर हैंडलिंग से। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा कमर्शियल क्राइम ब्यूरो एंड काउंटर फीटिंग इंटेलिजेंस ब्यूरो के बीच में। ठीक है, और ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर
15 से, ठीक है, यूनिट नंबर 15, दैट इज आपका मैरीटाइम फ्रॉड्स एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस से। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, एक क्वेश्चन इस यूनिट से आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और मुझे लगता है कि लॉन्ग में इसके चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। तो आप लॉन्ग के पर्सपेक्टिव से पढ़िएगा ताकि आपके शॉर्ट्स के लिए भी तैयार हो जाए, शॉर्ट नोट्स के लिए भी, और साथ ही डिफरेंसेस भी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स एंड इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स के बीच में, ये पूछा गया है आपका ऑब्वियसली यूनिट 1 से है, ठीक है। तो ये डिफरेंस तो आपको पता ही होना चाहिए कि डोमेस्टिक लॉजिस्टिक और इंटरनेशनल लॉजिस्टिक में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि पेपर में जो मैंने देखा है आपके पेपर्स, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ही यही पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस है अब हमारा जनरल कार्गो रेट्स एंड स्पेसिफिक कार्गो रेट्स के बीच में, और ये हमारा क्वेश्चन आया है यूनिट नंबर 11 से, डेट इज आपकी लीनियर फ्रेटनिंग प्रैक्टिसेस से, ठीक। नेक्स्ट है हमारा ओपन रेट्स एंड एड वॉल्यूम रेट्स, ये भी आपका यूनिट 11 से ही है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ही था अभी, जो आपकी लीनियर फिटिंग प्रैक्टिसेस है और ट्रैम चार्टिंग प्रैक्टिसेस है, ये दोनों ही यूनिट आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बिल ऑफ लैडिंग एंड चार्टर पार्टी के बीच में डिफरेंस, और ये जो क्वेश्चन है ये आया है हमारा यूनिट नंबर 13 से, ठीक है। यूनिट नंबर 13, दैट इज लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ कैरिज ऑफ गुड्स से, ठीक है। अब नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा शिप ओनर्स लीन एंड मैरीटाइम लीन से, और ये भी आपका आया है यूनिट नंबर 13 से, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है अभी, जो आपका लीनर फ्रेट प्रैक्टिसेस है, ट्राम चार्टरिंग प्रैक्टिसेस और लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ कैरिज ऑफ गुड्स, तीनों की तीनों यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन ऑल कहा जाए तो ब्लॉक 3 आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, कोई भी टॉपिक को स्किप नहीं करना। उसमें किन टॉपिक्स को पढ़ना है, किन टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है, ये ऑलरेडी मैंने अपनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो में प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। तो उस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा इंटर मॉडलिज्म एंड मल्टी मॉडलिज्म के बीच में, और ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 8 से, ठीक है। यूनिट नंबर 8 आपकी है मल्टी मॉडलाइजेशन, ठीक। नेक्स्ट है हमारा लीनियर शिपिंग एंड ट्रैम शिपिंग के बीच में डिफरेंस, और ये आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 7 से, दैट इज ओशियन ट्रांसपोर्ट से। अभी मैंने आपको बताया ही था कि लीनियर शिपिंग और ट्रैम शिपिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसके बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। हो सकता है शॉर्ट नोट्स पूछ ले, हो सकता है डिफरेंस पूछ ले, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टाइम चार्टर एंड वॉयज चार्टर के बीच में डिफरेंस, और ये क्वेश्चन हमारा आया है यूनिट नंबर 12 से, ठीक है। यूनिट नंबर 12 है हमारी ट्रैम चार्टरिंग प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो ब्लॉक 3 को बहुत ही अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, एक भी टॉपिक को यहाँ पर स्किप नहीं करना है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा टोटल सिस्टम कॉन्सेप्ट एंड टोटल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है यूनिट नंबर 2 से, ठीक है। यूनिट नंबर 2, डेट इज इंटरनेशनल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड लॉजिस्टिक्स से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वॉयज चार्टर एंड डिमाइज चार्टर के बीच में डिफरेंस, और ये है हमारा यूनिट नंबर 12 से, ठीक है। तो मैंने आपको बताया अभी, टाइम चार्टर, वॉयज चार्टर, डिमाइज चार्टर या बेयरबोट, सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इनलैंड कंटेनर डिपोर्ट्स एंड कंटेनर फ्रेट स्टेशंस के बीच में डिफरेंस, और ये हमारा पूछा गया है यूनिट नंबर 8 से, ठीक। यूनिट नंबर 8, डेट इज मल्टी मॉडलाइजेशन से। चलते हैं लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ, जो कि है हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा डिफाइन मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स एंड एक्सप्लेन द रीसेंट डेवलपमेंट इन इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स दैट हैव मेड इट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी। तो ये आपका यूनिट 1 से पूछा गया है, स्टार्टिंग का ही आपका चैप्टर है कि मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स क्या होता है, और रीसेंट डेवलपमेंट बताना है आपको इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वॉट आर द मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक लॉजिस्टिक प्लानिंग, एक्सप्लेन दीज एस्पेक्ट्स एंड इन्यूमरेट द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस लॉजिस्टिक्स प्लानिंग। ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है यूनिट नंबर 2 से, डेट इज इंटरनेशनल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज एंड लॉजिस्टिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वॉट आर द थ्री इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रेलिवेंट टू लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन दीज कॉन्सेप्ट एंड स्टेट ऑन टू विच वन यू रिगार्ड एज द बेस्ट अप्रोच एंड वाई।
तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है यूनिट नंबर 2 से। ठीक है, जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं, तीन कॉन्सेप्ट दिए गए हैं लॉजिस्टिक मैनेजमेंट में, इन तीनों कॉन्सेप्ट की नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए और इसके बीच में डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, जो कि अभी हमने पीछे डिस्कस किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन्यूमरेट द कॉमन एरियाज वेयर फ्रॉड्स एंड डिस्प्यूट्स नॉर्मली टेक प्लेस इन इंटरनेशनल मरीन ट्रांजैक्शन एंड कमर्शियल शिपिंग एंड स्टेट द प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय इंटरनेशनल बायर्स एंड सेलर्स टू प्रिवेंट द पॉसिबिलिटीज ऑफ सच फ्रॉड्स। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है हमारा यूनिट नंबर 15 से। ठीक है, दैट इज मैरीटाइम फ्रॉड्स एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस। और अभी मैंने आपको बताया ही है कि ये यूनिट आपकी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर रिजॉल्विंग शिपर्स प्रॉब्लम्स, डिस्कस द मेजर्स दैट हैव बीन अडॉप्टेड इन यूएसए टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द शिपर्स। तो ये क्वेश्चन हमारा आया है यूनिट नंबर 16 से। यूनिट नंबर 16 है आपकी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर रिजॉल्विंग शिपर्स प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पोर्ट्स एंड पॉलिसी इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट। और ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है यूनिट नंबर 14 से, दैट इज पोर्ट सिस्टम से। और अभी मैंने आपको बताया भी था कि जो आपकी यूनिट 14 है, यहाँ पर मैंने जितनी भी चीज़ें आपको यूनिट 14 से रिलेटेड बताई हैं, अगर आप उतनी कवर कर लेंगे तो उतने में आपकी यूनिट 14 आराम से क्या हो जाएगी, प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा और कुछ इसमें प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंटेनराइजेशन टू द शिपर्स, ऑल्सो स्टेट द प्रिकॉशंस अ शिपर हैज़ टू टेक वाइल कमिटिंग हिज गुड्स टू द कंटेनराइज ट्रांसपोर्ट। तो ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है यूनिट नंबर 8 से। ठीक है, यूनिट नंबर 8 है आपकी मल्टी मॉडलाइजेशन। तो कंटेनराइजेशन को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस और क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होती है और कितने टाइप के आपके कंटेनर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मेजर फंक्शंस ऑफ सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन एंड स्टेट द वेयरहाउसिंग फैसिलिटीज इट हैज एस्टैब्लिश्ड एट पोर्ट टाउन्स एंड अदर इंडस्ट्रियल साइट्स इन द हिंटरलैंड। तो ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है यूनिट नंबर 4 से, दैट इज आपका वेयरहाउसिंग से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग द लास्ट 3 डिकेड्स मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हैज मेड रैपिड प्रोग्रेस, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन एज टू हाउ इट हैज बेनिफिटेड द मूवमेंट ऑफ मर्केंटाइज थ्रू द हिंटरलैंड, ऑल्सो स्टेट द लाइबिलिटीज ऑफ अ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस। तो ये क्वेश्चन हमारा आया है यूनिट नंबर 13 से, दैट इज लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ कैरेज ऑफ गुड्स। ठीक है, तो ब्लॉक 3 बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक भी टॉपिक यहाँ पर स्किप नहीं करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, outline the structure of civil aviation in India and discuss the role of Airport Authority of India and Directorate General of Civil Aviation in the functioning of air services in India. तो ये क्वेश्चन है हमारा यूनिट नंबर 6 से। ठीक है, जो कि आपकी है एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ लीनर शिपिंग सर्विस and explain the wages surcharges that are usually levied on the basic freight. तो ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है यूनिट नंबर 11 से, दैट इज लीनियर फ्रेटनिंग प्रैक्टिसेस से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड प्रैक्टिकल कंसिडरेशन दैट मेक इट नेसेसरी टू ऑल्टर इट। और ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है यूनिट नंबर 5 से, दैट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड ऑर्डर हैंडलिंग से। ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो कॉन्सेप्ट है, उसका जो फॉर्मूला है स्पेसिफिकली, इसको ज़रूर याद करिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन पूछता है तो उसका फॉर्मूला आपको मेंशन करना पड़ेगा, तभी आप अच्छा नंबर भी गेन कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड ब्रिजिंग एंड स्टेट इट्स एडवांटेजेस। तो ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है यूनिट नंबर 8 से, दैट इज आपकी मल्टी मॉडलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट द मेजर कंसर्न्स ऑफ शिपर्स एंड शिप ओनर्स इन द केस ऑफ लीनर शिपिंग। तो ये क्वेश्चन आपका आया है यूनिट नंबर
11 से, दैट इज लीनर फिटिंग प्रैक्टिसेस। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों बार बार आपसे कह रही हूँ कि ब्लॉक 3 को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक टॉपिक अपने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, स्टेट द ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ कैरियर ऑफ गुड्स अंडर द कैरिज ऑफ गुड्स बाई सी एक्ट 1925 एंड ऑल्सो अंडर द वॉर्सा कन्वेंशन 1929 फॉर कैरिज बाय एयर। तो ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है यूनिट नंबर 13 से, दैट इज आपकी लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ कैरिज ऑफ गुड्स से, ठीक। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द रोल ऑफ इंटरनेशनल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इन प्रिवेंटिंग एंड रिस्ट्रिक्टिंग मैरी टाइम फ्रॉड्स। तो ये क्वेश्चन हमारा आया है यूनिट नंबर 15 से, दैट इज आपका मैरी टाइम फ्रॉड्स एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और इस पर्टिकुलर सीरीज को आगे कंटिन्यू करूंगी। और नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आईपीओ 2 के, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपने फीडबैक्स भी दीजिएगा कि वीडियोस कैसी लग रही है और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो बिल्कुल बताइएगा। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।